हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति डीम क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? हाँ, प्रूव करना है। ठीक है, तो यदि ए इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स एक ए दिया हुआ है। ए इक्वल टू कितना है? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। हाँ, देखेंगे ए दिया हुआ है, प्रूव करना है इसमें। एक मिनट, क्या प्रूव करना है? ए क्यू माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। स्टूडेंट जरा ध्यान दे, यहाँ पर ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर a क्यूब की वैल्यू प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि 0 के इक्वल आया या नहीं आया। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, तो जरा देखेंगे ए, देखिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू ए, जरा देखें 1 0 2 0 2 1 2 0 3। यहां पर जरा देखें, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एक्चुअली यहां पर आएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल, देखेंगे फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, देखेंगे 1 0 4 कितना आएगा, 5। फिर इस रो को इस कॉलम में 0 0 0। फिर इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में, देखेंगे 2 0 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। यहां पर जरा देखें, इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में 0 0 और कितना आएगा, 2। फिर इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में 0 4, यहां पर कितना, 0, कितना आएगा, 4। इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में 0 2 और यहां पर कितना, 3, तो 2 और 3 5। इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में, देखेंगे 2 मीन्स 2 0 6 कितना, 8। इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में 0 यह 0 यह 0। फिर इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में 4 यह 0 और 9, तो 9 4 13। अब स्टूडेंट करना क्या है हमको, ए क्यूब निकालना। अभी तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर आया। इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं, इसको बना लिया 2। अब करेंगे क्या, देखेंगे ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए होता है। तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है और ए की वैल्यू है, दोनों रख देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर जरा देखें, ए क्यूब इक्वल टू, पहले ए स्क्वायर 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू कितना, ए रखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इस तरह से। अब स्टूडेंट इसमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। या देखेंगे ए क्यूब इक्वल टू कितना आएगा, देखेंगे ए इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में 5 यह 0 और 2 16, तो यहां देखेंगे 5 और 16 कितना, 21। इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में 0
यह जीरो, यहाँ पर यह जीरो, पूरा क्या आ जाएगा जीरो। फिर इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में, यहाँ पर देखेंगे टेन, यह जीरो और यहाँ पर 24, तो 24 और 10 34 34। इस तरह से सेकेंड रो को उठाइए, देखेंगे यहाँ पर दो, यह जीरो और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर दो और यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा 12। अब इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में, ये जीरो, यहाँ पर 8, यहाँ पर जीरो, कितना आएगा 8। अब इसके बाद इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में, 4 8 और 5 15, तो 15 8 23, यहाँ पर आएगा 23। अब इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में, देखेंगे 8, यह 0, यहाँ पर कितना 26, तो 26 और 8 34। आप इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यह भी 0, यहाँ पर 0 आएगा। अब स्टूडेंट करना क्या है, इस रो को उठाना है इस कॉलम में, देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 39, तो 39 और 16, हाँ देखेंगे कितना 55 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से यह ए क्यूब निकला। आप देखेंगे अब हम करेंगे क्या, इसका LHS लिखेंगे और LHS में वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि वह नल मैट्रिक्स आया या नहीं आया। तो अब यहाँ पर जरा देखें, LHS इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7A और प्लस 2i। तो जरा देखें, ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई है भाई, देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 12 34, फिर कितना 0 8 0, फिर कितना 34 23, यहाँ से ये वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर 55 ए क्यूब लिखा। अब कितना लिखना है, 6A स्क्वायर, क्या देखें यहाँ पर है -6A स्क्वायर, जरा देखें माइनस, और देखेंगे 6 का हम इंटू करके ए स्क्वायर में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो 6 से जब इंटू करके रखेंगे, देखेंगे इस तरह से आ जाएगा, कितना आएगा 30 0 और 8 6 48, 6 से इंटू करना है कितना 12 24, कितना 30, 6 से मल्टीप्लाई करके रखना है 48, कितना 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 78। अब करना क्या है, अब 7A की वैल्यू रखना है प्लस 7A, देखें 7 से इसमें मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 7 0 14, यहाँ पर 7 से 0 14, यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर कितना 14 0 21, इस तरह से। अब यहाँ पर करना क्या है, 2i की वैल्यू रखना है, तो स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे क्या, i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पर ऑर्डर 3 का है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का लिया जाएगा, और जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे इस तरह से आएगा 2 0 0, यहाँ पर क्या आएगा 0 2 0 0 0 2। कहने का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह प्राप्त कर लेंगे। अब इसके बाद करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, जरा देखें
यहाँ पर होगा क्या क्या, देखिए यहाँ पर 21 है माइनस 30 और प्लस 7 और प्लस 2। तो स्टूडेंट जरा देखें, यहाँ पर 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 2, फिर दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, देखें 0 माइनस 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, यह 0 हो गया। फिर देखें यहाँ पर 34 माइनस 48, देखें 34 या देखें 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस यहां से क्या है 0। आप जरा देखें यहां पे कितना है, 12 माइनस 12, यहां से क्या है 0, फिर क्या है 0। यहां पर जरा देखें स्टूडेंट, अब दूसरा एलिमेंट यहां पर 8 माइनस 24 माइनस 24, यहां पर प्लस 14 और यहां पर कितना प्लस 2 प्लस 2। अब यहां पर कितना है 23, यहां पर माइनस 30, यहां पर कितना प्लस 7 और यहां पर क्या है 0। यहां पर जरा देखें कितना है 34, यहां पर कितना है माइनस 48, यहां पर कितना है प्लस 14, यहां पर क्या है 0। आप स्टूडेंट जरा देखें यहां पर क्या है 0, यहां पर 0, यहां पर 0 और प्लस यहां पर भी क्या है 0 है और प्लस 0। यहां पर जरा देखें कितना है 55, यहां पर कितना है 78 माइनस 78, यहां पे कितना है प्लस 21, यहां पे कितना है प्लस 2। तो स्टूडेंट इस तरह से जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखें यहां पर क्या मिला 0, यह भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर 0 0 0, ये भी 0 हो जा रहा है, यहां पर 0 है ही और यह भी क्या आ जाएगा 0। इस तरह से स्टूडेंट्स यह क्या मिल गया, एक नल मैट्रिक्स मिल गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, LHS इक्वल टू RHS। कहने का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, यहां पर जरा देखें अगर हम इसको सॉल्व कर दिए, इसमें वैल्यू रख दिए LHS में इन सब की, और जब इसको सॉल्व किया गया तो यहां पर क्या आ गया, यह नल मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 हम इस तरह से लगा सकते हैं, और बाकी सवालों को हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।